कार एडवाइजर का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आर्मी यूनिफॉर्म किसे पसंद नहीं होती। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं और अपने देश के लिए अपनी सेवाएं दूं। आपने भी कभी ना कभी सेना में जाने का सोचा होगा। आर्मी का जज्बा ही ऐसा है, हर कोई इस जज्बे पर निछावर हो जाता है। ठीक ऐसे ही देश प्रेम और देशभक्ति का जज्बा है आज की इस शानदार गाड़ी में। नमस्कार दोस्तों, कार एडवाइजर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार एडवाइजर। कार एडवाइजर के इस सफर पर आज हम आपको 90s में ले चलेंगे, जहां एक खास गाड़ी के बारे में जानेंगे जो असल में एक दमदार, जबरदस्त और कमाल की SUV है, जिसमें शान का सफर करने की ख्वाहिश हर शख्स की होगी। जब SUV कार मार्केट में हमारे पास ढेरों ऑप्शन नहीं थे, तब एक ऐसी गाड़ी थी जिसने इंडियन कार मार्केट में अपना परचम लहराया था। हम बात कर रहे हैं 1998 में लॉन्च हुई टाटा सफारी की, एक ऐसी SUV जो आज भी अपनी सेवाएं इंडियन आर्मी में दे रही है। टाटा सफारी अपने लुक्स और ऑफरोडिंग के लिए जानी जाती थी। दो दशकों तक इंडियन कार मार्केट में अपना सफर तय करने के बाद किन्हीं कारणों से कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि हैरियर 6 या 7 सीटर का नाम बजाज या ग्रेविटास नहीं, बल्कि टाटा सफारी है, जो कि 26 जनवरी 2021 में लॉन्च होने वाली है। तो जानते हैं कि इस नई सफारी में और क्या नया देखने को मिलेगा। पर उससे पहले आप कार एडवाइजर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का मजा ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। टाटा सफारी टाटा के ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसे लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म से डेवलप किया गया है। ये टाटा की दूसरी गाड़ी होगी जो ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। अब बात साइज की हो तो हैरियर कोई छोटी गाड़ी तो है नहीं, पर सफारी हैरियर से 63 mm लंबी और 80 mm ऊंची है। आपको इसमें स्टेप्ड रूफ देखने को मिलती है, जहां थर्ड रो से छत और ऊंची हो जाती है। व्हील डिजाइन तो हैरियर से सिमिलर ही है, लेकिन आपको इसमें 18 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिल सकते हैं। इसके फ्रंट में आपको ट्राई एरो फ्रंट ग्रिल और पीछे यूनिक डिजाइन वाले टेल लैंप दिए गए हैं। आपको नई सफारी में हैरियर की तरह 2.0 लीटर डीजल इंजन तो मिलेगा ही, लेकिन 1.5 लीटर टर्बो इंजन भी इसमें दिया जा सकता है। इसकी डीजल यूनिट 170 हॉर्स पावर के साथ में 350 Nm का टॉर्क पैदा करती है। टाटा सफारी में आपको 6-speed मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को भी मिलता है। पुरानी सफारी में आपको थर्ड रो में जंप सीट्स दिए गए थे, लेकिन नई सफारी में आपको थर्ड रो में फॉरवर्ड फेसिंग सीट्स देखने को मिलती है, जो कि इसको एक बेहतरीन फैमिली SUV बनाती है। 7-seater सफारी के मिडिल रो में आपको कैप्टन सीट्स दी गई है, जो कि आपको बहुत ही कंफर्टेबल और लग्जरियस फील देती है। फीचर्स की अगर बात करें तो नई टाटा सफारी में आपको DRLs के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको इसमें पावर टेलगेट और मिडिल रो और थर्ड रो के लिए चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको टाटा सफारी में 8.8 इंचेस का टच स्क्रीन JBL साउंड सिस्टम मिलता है, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही साथ आपको इसमें पैनारोमिक सनरूफ भी मिलती है। टाटा सफारी का प्लेटफॉर्म 4-wheel ड्राइव या 4x4 के लिए तैयार जरूर है, लेकिन अभी के लिए आपको इसमें ये ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो हैरियर की तरह टाटा सफारी में केवल फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन ही अवेलेबल होगा। वहीं अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टाटा सफारी में आपको 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग कैमरा और ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में टाटा सफारी आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देती है। टाटा मोटर्स की नई सफारी हैरियर से ज्यादा बड़ी और ज्यादा महंगी भी होगी। इसकी एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 14 लाख से और इसके टॉप वेरिएंट की प्राइस 22 लाख तक जा सकती है। क्या आप नए टाटा सफारी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आप चाहते हैं कि नई टाटा सफारी में आए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।